हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिशका ब्यूटी हब। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये 3 हफ्तों के एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम पे मैंने अपने काम करा और 3 हफ्तों बाद मैंने जब इसका रिज़ल्ट देखा तो मुझे पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट महसूस हुए। तो जिनको भी मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो वो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो ये मेरा अपना कंटेंट नहीं है और ये मैंने किसी का देख के ही लिया है, और उनके लिए मैं क्या तारीफ़ करूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आपको कोई बताता है कि आप ये चीज़ यूज़ करिए और ये चीज़ यूज़ करने से आपका प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और सच में अगर आपको उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है ना, तो वो इंसान आपके लिए भगवान हो जाता। भगवान से कम तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसने आपकी उस प्रॉब्लम को दूर किया होता है। तो ऐसी ही मेरी प्रॉब्लम थी माइग्रेन। माइग्रेन माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जिसको होता है ना, सिर्फ वही जान सकता है कि इसका पेन जो है सिर का कितना जानलेवा होता है। बहुत ही अलग तरह की फीलिंग होती है, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप तो जानते हो, अगर आपको होगा माइग्रेन पेन तो आप उस चीज़ को, मेरे दर्द को महसूस कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी इलाज कराया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, तो कुछ कुछ समय तक तो मुझे फ़ायदे मिले, लेकिन जब इसका पेन होता है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल, उसकी कोई मैं आपको बता नहीं सकती कि किस लेवल तक का वो पेन होता है। तो मैं क्योंकि एक यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब वीडियो देखा करती रहती हूँ, तो ऐसे ही मुझे अपने पेज पर सन्यासी आयुर्वेदा एक चैनल है, उस पे गुरु जी हैं, उनको मैं टीवी पे भी देखती हूँ कि टीवी पे भी पहले बहुत अलग से न्यूज़ में के चैनल पे उनका बहुत ज़्यादा ऐड आता था, और बहुत ही सस्ती दवाई देते हैं। और मैं देखती हूँ जो टीवी पे ऐड आते हैं 3,000, 4,000, 5,000 से ज़्यादा ही सब दवाइयाँ रहती हैं, लेकिन उनकी जो दवाइयों का रेट है इतना रिजनेबल है कि उसको हर कोई खरीद सकता है। और मैंने उसको कभी ट्राई नहीं करा, मैंने उसको कभी नहीं मंगाया है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैंने मंगाया भी नहीं। लेकिन मैंने जब देखा और लोगों के मुकाबले तो उनकी दवाइयों का रेट बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो अब उनका यूट्यूब पे भी मैंने देखा चैनल, तो मैंने उसको क्लिक करके खोला और वो कुछ मेरी समस्या से रिलेटेड मुझे लगा, तो मैंने उसको ओपन करा, और ओपन करने के बाद जैसा उन्होंने बताया ना मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो 3 हफ्तों के बाद मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो वो रिज़ल्ट क्या है मैं बताती हूँ, और वो चीज़ क्या है जो मैंने यूज़ करी है और उसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वो एक हल्दी के ऊपर वीडियो था जो कि 3 हफ्तों पहले आया था। तो 3 हफ्तों से मैं उनके बताए हुए जो जितना उन्होंने बताया था किस तरह से इसको लेना है, मैंने उसी तरह से लेना स्टार्ट करा। तो हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, लेकिन 3रे हफ्ते मुझे अपनी प्रॉब्लम, लगभग मुझे एक बार इसका अटैक ज़रूर आता है माइग्रेन का, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है मुझे। तो मैं लगभग 1 हफ्ते से मुझे वो अटैक नहीं आया, मुझे वो दर्द नहीं हुआ है। तो वो फ्रेंड्स, मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है हल्दी का पानी। हल्दी के पानी को कैसे लेना है, आप 1 गिलास गुनगुना पानी कर लीजिए और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए और उसको मिक्स करके सिप सिप करके पी लीजिए। और हल्दी तो आप जानते ही कितनी ज़्यादा गुणकारी होती है, हमारे स्किन का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो सबको क्लीन कर देती है, एंटीबायोटिक होती है, हमारी स्किन में जितने भी कीटाणु, आजकल कोरोना कितना ज़्यादा चल रहा है, आप लोग सब लोग बता रहे हैं कि आपको हल्दी का पानी, हल्दी का दूध पीना है। तो मैंने हल्दी का पानी 3 हफ्ते से पिया, तो मैं बता रही हूँ आपको कि वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपकी स्किन जो भी जिस तरह की भी है, पिंपल स्किन है, मुहासे हैं, झुर्री है, झाई है, अगर आप उसको रेगुलर ट्राई करते रहें, देखिए कोई भी चीज़ है आपको जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक लेते हैं तो उसको आपको रेगुलर ट्राई करना है, आपको गैप नहीं करना होता। जिसको प्रॉब्लम होती है ना तो वो चीज़ नहीं बोलता है, हम ऐसे खेल खेल में पीते हैं ना, तो या खेल खेल में कोई चीज़ करते हैं तो फिर हम लोग भले इस चीज़ को भूल जाए, लेकिन अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं और किसी ने बता दिया तो हम लोग की प्रॉब्लम अपने हिसाब से उसको ज़रूर ट्राई करते हैं और बार बार ट्राई करते हैं और हमेशा उसको याद रखते हैं। तो आप रोज़ लीजिए तो आपको ये चेहरे में जितने भी आपकी खामियां हैं, मुहासे हैं, कील हैं, या आपकी झाइयां हैं, या बढ़ती उम्र की जो झुर्रियां तक हैं, वो भी उसको भी क्योर करता है। आपका बॉडी वेट ज़्यादा है अगर, तो आप ट्राई करके देखिए। मुझे भी कुछ हद तक इसमें
रिजल्ट मिला है कि मैं जो मेरे को लगता था फूला बन लगता था अपने शरीर में, वो भी मुझे काफ़ी हद तक कम हुआ है मेरे। तो अगर मैं अगर इसको लेती रहूँगी तो ये डेफिनेटली मुझे आगे भी बहुत फ़ायदा देने वाला है, इसलिए मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगी। और तरह तरह की दवाइयों को लेने से अच्छा है कि आप एक हल्दी का पानी पी लीजिए। हल्दी सबके किचन में पाई जाती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी, कहीं जाना है, कहीं नहीं, हल्दी सबके किचन में होती है, जहाँ तक मैं समझती सबके किचन में होती है। तो बस उसको पानी में गर्म करके खौला के आपको पीना ही तो है, तो इतना तो हर कोई कर सकता है। अगर वो प्रॉब्लम में होगा तो ज़रूर करेगा। हल्दी आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और यहाँ तक कि आपके पूरे रक्त को शुद्ध करती है हल्दी। आप महंगी से महंगी रक्त शुद्ध करने वाली दवाइयाँ पीते हैं, अगर आप हल्दी पी लीजिए केवल, तो आपका जो ब्लड है वो प्यूरीफाई होना शुरू हो जाएगा। बस मैंने आपको ये बताया है कि आपको इसको काफ़ी समय तक करते रहना पड़ेगा, 1 या 2 डे में आपको रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कभी होता है ये कि हम लोग कोई चीज़ ट्राई करते हैं, अच्छा ट्राई करा, हफ्ता भर तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन हफ्ते भर बाद ना हम लोग का विश्वास और टूटने लगता है। अगर हम लोग को फ़ायदा नहीं करता ना, तो विश्वास जो है वो टूटना इससे लगता है कि यार तो फ़ायदा नहीं करा, फालतू में इतना पी गए, ऐसा छोड़ते हैं इसको। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के संग, विश्वास बहुत ज़रूरी है, देखिए फ्रेंड्स, विश्वास के संग अगर आप हल्दी के पानी को पीते हैं, और हल्दी का जब पानी आप बनाएंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं तब भी बता दूं, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। आपके पास जैसा भी पानी हो, साफ शुद्ध पानी होना चाहिए, आप उसको गर्म करिए और उसमें हल्दी डालिए, और हल्दी डालने के बाद आराम से पीजिए, जैसा कि मैं पी रही हूँ। तो आप इसको सुबह सुबह लीजिए, मैं भी सुबह सुबह पीती हूँ इसको। तो आप जब इसको पी लेंगे तो आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में देखेंगे कि आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है, जिसकी भी स्किन प्रॉब्लम है, बॉडी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली हैं। मैंने तो सिर्फ माइग्रेन का नाम लिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम जिसके भी होएगी ना, जो भी प्रॉब्लम होगी वो शुद्ध हो जाएगा। और कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में आप लेंगे तो आपकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी, तो आपको कोरोना छू भी नहीं पाएगा, है ना। तो सस्ता सा इलाज है, ज़रा सा इलाज है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगने वाली है, आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सेफ है। सबसे बड़ी बात ये सेफ है, सबको ही सूट करती है, क्योंकि हल्दी सब्जी में पड़ती है, तो वैसे ही हम उसको पानी के संग पी रहे हैं, तो आप सबको सूट भी करेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, मेरी माइग्रेन की थी, मैंने ट्राई करा तो मेरे को माइग्रेन तो लगा ही लगा। स्किन की प्रॉब्लम टच वुड मुझे कोई नहीं है कि कील मुहासे ऐसा कुछ भी मेरे संग इशू नहीं, मैं खुद ही पार्लर चलाती हूँ और अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो स्किन की मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं थी। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन भी था, जो कि इससे क्योर हो रहा है, जो कि इससे साफ हो रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो आपको ये बहुत हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको नाम बताया है, सन्यासी आयुर्वेदा, मैंने उनसे ही ये चीज़ देखी है और मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहिए। हालांकि सब लोग ने देखा होगा, बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं, आप जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं। मैं साथ इतना अच्छे तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी प्रॉब्लम पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपको शायद और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो लगे, तो आपको शायद और ज़्यादा विश्वास जाग जाए। तो सन्यासी आयुर्वेदा से ही मैंने ये चीज़ ली है, और मैं वो गुरुजी जो भी हैं, उनका नाम नहीं उनका, लेकिन सन्यासी आयुर्वेदा ही से मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी प्रॉब्लम को बहुत हद तक क्योर कर दिया। मुझे विश्वास है कि ये जो प्रॉब्लम है मेरे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो थैंक यू सन्यासी आयुर्वेदा, और आप भी इस चीज़ को अपने जीवन में लाइए, फॉलो करिए, तो आपको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।